इस वीडियो नेशनल साइंस डे भाग दो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब देखें इसको गिर रहा है, इसको बैलेंस करते हैं, नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं कि स्टिक चेंज करते हैं। अब ये टिक रहा है, तो ये पूरा तिरछा हो रहा है लेकिन गिरता नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसकी स्टिक और छोटी करते निकाल देते हैं। अब ये इस पर बैलेंस्ड है, मैं इसको गिराता हूं तो भी नहीं गिर रहा, चाहे इधर चाहे इधर, क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं संतुलन बढ़ता जाता है। कोई भी वस्तु उसके गुरुत्व केंद्र जहाँ उसका समस्त भार केंद्रित रहता है उस पर संतुलित रहती है। ये एक लेजर बीम है, ये एक सीडी है, मैं इस पर इसे डालता हूं, इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न है, विवर्तन। दिस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट, ये प्रकाश के तरंग रूप को सिद्ध करता है, बिकॉज डिफ्रेक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इनके बीच के डिस्टेंस स्पॉट्स की मेजर करके मैं इसमें जो ग्रुप्स बने हैं, जो लाइंस बनी हैं, उनके बीच का सेपरेशन निकाल सकता हूं यदि मुझे इसकी वेवलेंथ मिले। ये पेरिस्कोप का एक मॉडल है, इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि यहां पर कोई वस्तु है, ये लाइट मैं डाल रहा हूं तो नीचे से ये दिखाई दे, यहां से तो यहां जो वस्तु है इस हाइट पर उसको यहां व्यक्ति देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है कि सतह पर का दृश्य क्या है उसको देखने के। ये एक जायरो व्हील है, इसको हम घुमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। Thank you.
फिर इसको घुमाते हैं तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहती है और इस पर ये बैलेंस रहता है। दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बड़ी बनाए रखने की कोशिश करता है और उस पर ये बैलेंस्ड। एक बार और घुमाते हैं, when it is rotating it is balanced, और जब ये घूम जाता है तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये प्रयोग आप लोगों को कैसे लगे बताइए। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रयोग करेंगे।